माल्यार्पण, मिठाई और इसके बाद जो है स्टेथोस्कोप। तालियां बजती रहिए। वो मेरी बॉटल है ना, पानी है ब्रिज अभी। मेरी बॉटल ले लीजिए, काफी पानी। हाँ देखिए, बताएंगे कि कैसे इनको सफलता मिली, कितनी मेहनत की और आपको कैसे मेहनत करनी है कि आपको आप अगले साल यहाँ आएँ। हम आपका स्वागत करें, मतलब जहाँ ये खड़े हैं वहीं आप आएँ। तो लीजिए याज्ञवल्क से सुनिए। लीजिए बेटा। थैंक यू सर। थैंक्स टू एवरीवन। आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो जहाँ पर हैं पहले ये तो समझ लीजिए कि हैं कहाँ, और अगर हैं कहीं पर पढ़ रहे हैं तो पहले उस वहाँ पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि आपको देखिए लग रहा होगा अगर मेहनत करना है तो शरीर बनाने से और ये सब से कुछ मतलब तो है नहीं। और मेरी सफलता में सबसे पहले जो मैं आया था तो फिजिक्स विजिक्स मतलब थ्योरी तो मैं पढ़ लेता था लेकिन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाता था मतलब उतना अच्छे से। तो सर के मार्गदर्शन में मैं मतलब क्वेश्चन वोश्चन भी सॉल्व करने लगा धीरे धीरे। और जो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसमें मेरे माता पिता और ये पांडे क्लासेस जो परिवार है इन सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और आप सब अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो पहले जहाँ पर हैं वो विश्वास करिए कि हम जिस संस्थान पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं वो हमको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें कहीं से भी पढ़ लें ये हो नहीं सकता कि आप मतलब अच्छे से सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले लें। विश्वास करिए और जो भी मिल रहा है कंटेंट उस पर विश्वास करिए और इतना पढ़ना है ये सब सीखिए। और बाकी मोटिवेशन के लिए तो सर रोज़ कुछ ना कुछ हमें मोटिवेट करते ही रहते हैं कि आज ये पढ़ना है। वैसे भी देखकर अपने गुरुजनों को मोटिवेट होना चाहिए, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार वालों को देखिए, परिवार की तरफ देखिए कि आज हमें पढ़ना क्या है। और बाकी तो पांडे क्लासेस में सब कुछ मिल ही रहा है हमको पढ़ने के लिए कंटेंट वंटेंट जो है। थैंक यू। बच्चों भी आपने याज्ञवल्क्य के रिजल्ट के बारे में सुना, इन्होंने 632 नंबर स्कोर किया और आपके इसी इंस्टीट्यूट में यहीं पे बहुत इन्होंने मेहनत किया और धीरे धीरे नंबर को बढ़ाते रहे, टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहे, टेस्ट सीरीज में कंटिन्यूस इनका एफर्ट था, टेस्ट ना छोड़ना, क्लास को कंटिन्यूस करना, कोई भी टाइम हो कोई भी क्लास हो कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लगे, मैंने कभी इनकी क्लास की मिसिंग नहीं देखा कि क्लास इनका क्लास में लेट आए हों या क्लास किसी वजह से देर हुआ हो। इस मामले में मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि इन्होंने रेगुलर अपना पढ़ाई करते रहे और उस रेगुलरिटी का रिजल्ट है कि आज आपके पास इन आज आपके सामने खड़े हैं और इनके पास वो चीज़ वो कैरियर हो गया जिससे कि ये सबको कुछ न कुछ कह सकें। और उन्होंने इतना मेहनत किया जिसकी वजह से इन्होंने इतना स्कोर कर पाए। तो बच्चों कुल मिला के ये मैं बोलना चाहूँगा, कल भी यही सब चल रहा था कि आप कंटिन्यूस इफ़र्ट ज़रूर करें, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कभी आपने क्या किया किसी दिन बड़ा एनर्जी में आए और खूब पढ़े और इसके बाद दूसरे दिन आपने धीरे धीरे पढ़ाई कम कर दिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एकदम कंसिस्टेंसी हो, क्योंकि जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक हमें आराम नहीं करना है, तब तक आराम नहीं है जब तक कि हमारा टारगेट हमको ना मिल जाए। तो ये कंटिन्यूटी से ही सब कुछ पॉसिबल है और कोई कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ बड़ा आसान है, बस हमें उस टारगेट को भूलना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि मेरा नंबर कम हो गया पढ़ना चाहिए, नहीं, नंबर कम होने से पहले ही आपको तैयार रहना होगा कि हमारा नंबर कम होना ही नहीं चाहिए।
और हर टेस्ट में टारगेट होना चाहिए कि हमें नंबर बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। और इन्होंने जब शुरू किया था, मैं थोड़ा इनके बारे में बताएं, ऑनेस्टी इनकी थी कि जैसे सवाल लगाते थे, मान लीजिए नहीं आया तो कोई क्वेश्चन ला के मेरे पास पूछते थे, तो मैं ऐसे बोलता था कि ये देखो ऐसे कर लो आ जाएगा ना, तो ऐसे बोलता था। तो नॉर्मली बच्चे कभी कभी बोलते हाँ सर आ जाएगा, पर इनको थोड़ा सा भी डाउट हो बोले सर कर लेंगे, पर फिर खड़े रहते थे थोड़ी देर तक, फिर बोलते सर यहाँ तक तो कर लिया अब इसके आगे। मेरे को लगा कि बिना कापी पेन के ही कर लिया। मैंने कहा कि तो तुमने सोच लिया? बोले सर यहाँ तक सोच लिया इसके आगे। तो मैंने कहा कि अब इसके आगे कापी में देखो तो ज़रा कैलकुलेशन करो। अच्छा हाँ ये आ गया। मतलब इसे क्या पता चलता है कि इनके दिमाग में केवल क्या चलता है, पढ़ाई। सारा समय केवल पढ़ने के लिए था। नॉर्मली जब कोई टीचर बोलता है कि ऐसे कर लो बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, तो बच्चा उस समय सेटिस्फाइड हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो सोचता है चलिए घर पर चल के देख लेंगे। लेकिन इनके अंदर ये चीज़ था कि उसी टाइम, मतलब सेम टाइम में वो चीज़ होना चाहिए। क्लास में भी मैंने जैसे कोई क्वेश्चन करा दिया, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो उसी क्लास की मैं बात करूँगा ना जो मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने कोई क्वेश्चन करा दिया तो मैंने बोला कि अब सबका हो जाएगा? हाँ सबका हो जाएगा। ठीक है भाई अगला क्वेश्चन नोट करो। तो थोड़ी देर में ये बोलते थे सर उसका आंसर ये है। हाँ आंसर ये है। तो मेरे को लगता है कि नहीं आंसर तो सही नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन करवा देते थे। मतलब अगर स्टूडेंट कंटिन्यूस अपने कैरियर के लिए सोच रहा है कि मेरे को बहुत अच्छा करना है, तो बच्चों अगर वो अच्छा है ना तो टीचर से वो पढ़वा लेता है। अगर मैं नहीं पढ़ाना चाहूँ, मेरे मन में आए कि आज मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब आज कम बताऊँगा, आज थोड़ा हल्का हल्का सवाल बताऊँगा, लेकिन अगर आप एनर्जेटिक हैं तो मेरे से पढ़वा लोगे। ये खूबी इनमें बहुत थी। ये सवाल खूब करवाते थे मेरे से, क्वेश्चन कराते थे हर टॉपिक पे। सर एक सवाल इस पर और बता दीजिए। अच्छा चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लो। सर एक और बता दीजिए, एक और बता दिए। मैं बोलता अच्छा चलो तुम्हारा जब कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए तभी बोलना, और बाकी तो सवाल चलता ही रहेगा। तो ये बच्चों एक मैं एग्जाम्पल दे रहा था, जब इनको मैंने देखा तो मैंने इनकी बहुत सारी बातें मेरे मन में घूमने लगी, वो मेरे मन में घूम रही अभी भी घूम रही हैं, और बहुत ही सादगी, बहुत ही शांत। अभी भी आप देख रहे हैं कितने शांति से हैं, चेहरे पर कोई लग नहीं रहा ना कि जैसे सेलेक्शन हुआ हो, एकदम शांत। ये गंभीरता, क्योंकि बड़ा रिजल्ट अगर पाना है तो हमें कैसे होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल क्या है? बहुत कुछ मिल जाने पर बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं दिखावा करना, और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दुख को भी नहीं दिखाना। मतलब हमें ऐसा अपने को बनाए रखना कि कुछ सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में हम एक ही जैसे हैं। ये आइडियल पर्सनालिटी की पहली पहचान है। तो वो सब इनके अंदर है, और इनको बहुत सारी शुभकामनाएँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको बहुत सारी बधाइयाँ। और जैसा कि हमें लगता है कि सर यहाँ MNIT में ही रहना है, मोतीलाल में ही। हाँ मोतीलाल। और इनकी भी इच्छा है कि सर यहीं रहेंगे, आप ही के पास आते जाते रहेंगे, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें इससे अच्छा क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट हमसे मिलते जुलते रहें। बच्चों स्टूडेंट बहुत प्रिय होते हैं टीचर को, उतना प्रिय दुनिया में कोई चीज़ नहीं होता। तो मैं फिर से इनको बहुत सारी बधाई देता हूँ, इन्होंने शुभकामनाएँ, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, वेरी गुड।